हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटिंग सीरीज़, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनली कन्वर्जेंस का। आज हम उसी के बेस पे एग्जांपल्स करते हैं और ये इस चैप्टर का फिर लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज ही गिवन है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3, और अगर आपने वो पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उनको देख लेना, तभी आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। आपको कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दोनों फाइंड आउट करनी है। क्या होती थी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस? कि हम किसी सीरीज़ समेशन ए एन को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहेंगे अगर मॉड ऑफ ए एन क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। तो ये सीरीज़ है, इसको मैंने मान लिया समेशन ए एन है। अब देखो ये क्या दे रखी है, इसके इक्वल दे रखी है, यानी कि समेशन ए एन की वैल्यू क्या है ये, और ये क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करके दे रखा है कि अगर आप एन की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आएगा, 3 पुट करोगे तो ये आएगा। अब क्योंकि जो हमने देखा था उसमें हमें खुद से बनानी पड़ती थी ना समेशन, जो पहले वाले एग्जाम्पल से, बट इसमें ऑलरेडी हमें बनी बनाई दे रखी है। अब हमने क्या किया, इस वाली टर्म को क्या मान लिया, बी एन। तो बी एन क्या है, 1/n एन की पावर पी है, ठीक है। अब पहला काम तो क्या कि लिमिट को हमें कन्वर्जेंट दिखानी थी, तो हम क्या करते थे कि अगर बी एन में एन को इन्फिनिटी पुट कर दे तो वो ज़ीरो आ जाए, तो हम शो करते थे कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देखिए अगर बी एन में मैंने एन को इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ कितना बन गया, ज़ीरो बन गया, बन गया ना। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करते थे हम, लैप्लेस टेस्ट जो हमने पढ़ा था उसकी स्टेटमेंट थी ना ये, कि बी एन में एन को इन्फिनिटी पुट करो और बी एन की वैल्यू जो है वो छोटी आनी, बी एन की वैल्यू जो है वो बड़ी या फिर इक्वल आनी चाहिए किसके, बी एन प्लस वन के। तो वही हम प्रूफ कर रहे हैं, एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। अब सेकंड चीज़ देखो, वो प्रूफ करते हैं बी एन की वैल्यू क्या है, बी एन की वैल्यू है 1/n की पावर पी। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम, मैंने लेके चला क्या कि हमें पता है एन जो है वो हमेशा छोटा होगा एन प्लस वन से, होगा ना। तो एन की पावर पी भी हमेशा छोटी होगी एन प्लस वन की पावर पी से, और अगर मैं 1/n की पावर पी कर दूँ और 1/n+1 की पावर पी कर दूँ तो ये बड़ी हो जाएगी इससे। तो 1/n की पावर पी क्या था, बी एन था, और 1/n+1 भी, बी एन प्लस वन की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, 1/n+1 की पावर पी, तो ये क्या बन गया, बी एन प्लस वन। तो बी एन बड़ा आ गया बी एन प्लस वन से। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है लेबनिस टेस्ट की, तो हम कह सकते हैं कि समेशन ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जन को प्रूफ करने के लिए इसका मोड लेना होता है हमें। तो अगर मैं ए एन का मोड लूँगी तो यही टर्म आएगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टर्म ही एक ही है और ये पॉजिटिव ही है, तो यही टर्म रहेगी। तो मोड ऑफ ए एन क्या आ गया, ये यहाँ पी, पी की जो वैल्यू है अब हमें नहीं पता कि वो 1 है या 1 से बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर इस पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और अगर 1 होगी या 1 से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट होगी। तो हम लिखेंगे कि ये सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जब होगी, जब पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर देखो पी की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो मॉड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ए एन तो कन्वर्जेंट है, तो ये कंडीशन मिला के क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की। बट अगर ये ना हो और ये हो तो इसका मतलब ए एन तो कन्वर्जेंट है बट मॉड ऑफ ए एन कैसा है, डाइवर्जेंट। तो ये क्या बन जाएगा फिर, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो जब है जब पी की वैल्यू 1 से बड़ी है, और कंडीशनली कन्वर्जेंट जब है जब पी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 1 के इक्वल है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, एक्स बीइंग रियल। तो हमें ये सीरीज़ दे रखी है, इसको मैंने मान लिया ए एन, ए एन कौन है यहाँ पे, ये। अब इसका मोड लो, मोड लोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर n sin x/n³ का मोड, और ये हमेशा किससे छोटा होगा। देखो हमें पता है कि sin nx/n कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू का मोड, इसका मोड क्या आएगा, हमेशा 1/n³ आएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं कि इसका मोड हमेशा छोटा होगा 1/n³ से, ओके। देखो अब ये देखो, ये वाली टर्म n/n³, यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है, 3 कैसा है, 1 से बड़ा। तो by p टेस्ट ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इन दोनों पे आओ, ये बड़ा ये छोटा, तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट, तो ये भी कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट। तो हमने क्या निकाला, समेशन ए एन, सॉरी मॉड ऑफ ए एन, और मॉड ऑफ ए एन के आगे कन्वर्जेंट आ गया ना। तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन मॉड ऑफ ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, हैंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो कब है, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, और ये कह रहे हैं कि सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कब है, एक्स के रियल वैल्यूज के लिए। आपको इसमें क्या करना था,
इसमें आपको कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इस सीरीज़ की फाइंड आउट करनी थी एक्स बीइंग रियल। यहाँ पे आपको एक्स क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। तो हमने क्या लिया, ये ए एन था तो हमने मॉड ऑफ ए एन निकाल दिया। मॉड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट आ गया, मॉड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ए एन भी कन्वर्जेंट है, तो ये कैसी होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जांपल, ये है इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। तो ये ए एन मान लो इसको माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई एन ऑन दिस टर्म, इसको ए एन मान लो। अब क्या करो, मॉड ले लो इसका। मॉड लोगे तो मतलब मॉड ऑफ ए एन का मतलब क्या होगा, ये वाली टर्म है और ये वाली माइनस वाली टर्म कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बचेगी मॉड ऑफ ए एन के अंदर। देखो ये माइनस वन है ना, तो इस माइनस वन की वैल्यू को एन चेंज करो यहाँ पे। जैसे जैसे आप एन को चेंज करोगे तो ये माइनस प्लस होगा ना, तो जब मैं मोड़ लूँगी तो ये वन भी प्लस बन जाएगा, तो इसका मतलब ये वन बन जाएगा। तो टर्म क्या बन जाएगी, रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करेंगे, रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन से तो मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो, यानी कि इन दोनों टर्म के बीच का नेगेटिव साइन उसको पॉजिटिव बना के उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। अब ऊपर क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन इंटू रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए का काम कौन कर रहा है, रूट ऑफ एन प्लस वन। तो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब रूट ऑफ एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन, इससे ये कैंसिल। ये आपके पास माइनस एन प्लस वन बनेगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, टू। तो ऊपर तो क्या आ गया, टू आ गया। नीचे देखो, नीचे क्या था, एन इंटू दिस, एन इंटू दिस, ये लिख रखा है एन इंटू दिस। अब यहाँ से क्या किया, रूट ऑफ एन कॉमन ले लिया, तो इस रूट ऑफ एन को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस वन बाय रूट एन प्लस वन माइनस वन बाय एन। ठीक है, ये टर्म बचेगी। अब ये क्या है, एन की पावर वन बाय टू और ये क्या है, वन। तो वन बाय टू प्लस वन कितना बन जाएगा, थ्री बाय टू। तो एन की पावर थ्री बाय टू होगी और ये टर्म बचेगी। अब क्या करो, जैसे हम थर्ड चैप्टर में करते थे, वन अपॉन एन की पावर थ्री बाय टू को बी एन मान लो, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ एन निकाल रहे हैं। तो मॉड ऑफ एन डिवाइड बाई बी एन करो, जब इस वाली टर्म को वन बाय रूट इसे डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, बचेगी ना। तो ए एन बाई बी एन की वैल्यू क्या बचेगी, ये बचेगी। अब इसमें एन को इन्फिनिटी पुट करो, इसमें एन को इन्फिनिटी पुट करोगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन प्लस वन वन, वन प्लस वन कितना बन जाएगा, सॉरी वन प्लस वन वन नहीं, वन प्लस वन टू, टू बाई टू कितना हो जाएगा, वन। तो यानी लिमिट जब आपने एन को इन्फिनिटी पुट किया इसमें, तो वो वन आ रहा है। वन का मतलब क्या है कि नॉन ज़ीरो और फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो नॉन ज़ीरो और फाइनाइट नंबर का क्या मतलब है, देखिए कि ये जो हमारी सीरीज़ है, हम पढ़ते थे ना कि अगर दो टर्म को डिवाइड करके जो हमारी लिमिट है वो नॉन ज़ीरो और फाइनाइट आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो रूट मॉड ऑफ ए एन है और जो बी एन है वो दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं बी एन को देखती हूँ। बी एन क्या है, वन बाय एन की पावर थ्री बाय टू है। ठीक है, तो यानी कि पी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे थ्री बाय टू है जो कि वन से बड़ा है। तो वन से बड़ा है तो थ्री बाय टू वन से बड़ा है, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो बाय पी टेस्ट अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, होगा ना। तो यानी कि मॉड ऑफ ए एन कैसा आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। तो हैंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, बट एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो देखिए, अगर मॉड ऑफ एन कन्वर्जेंट आ गया तो हमारी सीरीज़ कैसी हो गई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गई ना। बट एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हमें पता है कि अगर कोई सीक्वेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट तो होगी ही होगी। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट। आप यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी हमने यही चीज़ लिखी है कि अगर मोड ऑफ एन हमने निकाला वो हो गया कन्वर्जेंट आ गया, तो अगर मोड एन कन्वर्जेंट है इसका मतलब कि वो सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। और हम थ्योरम पढ़ चुके हैं ये कि अगर कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट तो होगी ही होगी। देखो हमने ये थ्योरम नहीं पढ़ी थी, शो दैट एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो वो इसका यूज़ ही हम कर रहे हैं कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आ गई, मतलब कि मोड अगर उसका कन्वर्जेंट आ गया ना, तो वो सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी। क्लियर है। अब आ जाओ इसके सिक्स एग्जांपल पे। टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। तो इसको मैंने मान लिया ए एन।
पर समेशन ए एन इज इक्वल्स टू दिस। अब इस वाली टर्म को वन बाई रूट ऑफ एन प्लस वन को मान लो बी एन, बी एन मान लो। अब हम क्या करेंगे, बी एन को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए दो चीज़ें प्रूव करेंगे कि बी एन के अंदर अगर इन्फिनिटी पुट कर दूँ एन को तो ज़ीरो बनना चाहिए, और बी एन की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए बी एन प्लस वन से। तो इसमें एन को इन्फिनिटी पुट करो, वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो, तो एक टर्म तो प्रूव ही हो गई। अब हमें पता है कि एन प्लस टू क्या है, बड़ा होता है एन प्लस वन से। अब हम ये टर्म देखो, आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी, होती होगी कि हमने यही टर्म्स क्यों ली। तो जिस चीज़ को आपने प्रूव करना है ना, अब आपने बी एन को बड़ा दिखाना है ना बी एन प्लस वन से, देखो आपने ये चीज़ दिखानी है। आपको पता है कि बी एन की वैल्यू वन बाय रूट ऑफ एन प्लस वन है, और बी एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करोगे हाँ, तो बी एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, वन बाय रूट ऑफ एन प्लस टू होगी। तो आपको ये चीज़ शो करनी है, तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम उल्टा लेके चलेंगे। हम एक तो ये वन बाय बाद में करते हैं, तो मैं लेके क्या चलूँगी कि एन बाय टू जो है वो बड़ा है एन प्लस वन से, फिर मैं इसका वन बाय कर दूँगी तो ये टर्म प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये लेके चली। अब देखो, अगर n प्लस वन बड़ा छोटा है n प्लस टू से, तो उनका रूट भी छोटा होगा। अब मैं वन बाय में कर दूँ तो ये टर्म क्या थी bn, और ये टर्म क्या थी bn प्लस वन। तो लेबनिस टेस्ट की दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है कि bn के अंदर अगर n को इन्फिनिटी पुट करें तो वो ज़ीरो आ रहा है, और ये कंडीशन भी आ रही है। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि समीशन an क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे, मोड ऑफ an निकालेंगे। तो देखो, मोड ऑफ एन क्या आएगा, वन अपॉन रूट एन प्लस वन ही आएगा, यहाँ से रूट एन को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी। अब क्योंकि हमने पहले बी एन ऑलरेडी मान लिया था ना वन बाय टर्म को, अब यहाँ पे इसको सी एन मान लो, वन बाय रूट एन को क्या मान लिया, सी एन मान लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो यही टर्म बचेगी, इसमें एन को इन्फिनिटी पे पुट करो तो वन बाय इन्फिनिटी ये वाली टर्म, तो नीचे वाली टर्म जीरो बन जाएगी, यानी कि इन दोनों की लिमिट क्या आ गई, वन। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों को डिवाइड करके कोई लिमिट आती है, वो अगर नॉन ज़ीरो फाइनाइट होती है, तो इसका मतलब कि ये दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट। तो हम किसका बिहेवियर चेक करेंगे, सी एन का। सी एन क्या है, वन बाय रूट एन, रूट एन का मतलब एन की पावर वन बाय टू, जो कि वन से छोटी है। तो बाय पी सीरीज टेस्ट सी एन कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। अगर सी एन डाइवर्जेंट, तो बाय कंपेरिजन टेस्ट मोड ऑफ ए एन भी कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से तो समेशन ए एन कन्वर्जेंट आ रहा था, बट उसका मोड कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट की यही तो डेफिनेशन होती थी कि समेशन ए एन तो कन्वर्जेंट हो, बट उसका मोड डाइवर्जेंट हो जाए। अब देखो सेवंथ एग्जाम्पल, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वन बाई टू लॉग टू की पावर पी माइनस वन बाई थ्री लॉग थ्री की पावर पी प्लस वन बाई फोर लॉग फोर की पावर पी। तो nth टर्म में क्या होगा, माइनस वन की पावर चेंज होती रहेगी, यानी कि माइनस वन की पावर n, और nth टर्म में वन बाई एन लॉग एन की पावर पी, क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है, टू लॉग टू की पावर पी थ्री लॉग थ्री की पावर पी, तो nth में n लॉग n की पावर पी। अब इसका मॉड लो, तो मॉड ऑफ एन, यानी कि ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि वन बाय एन लॉग एन की पावर पी, और यहाँ पे ये एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू इसलिए लिखा है क्योंकि ये टू से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो, अब ये मॉड ऑफ एन कन्वर्जेंट किस पे डिपेंड करेगा, इस पी पे डिपेंड करेगा। अगर ये पी की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो ये ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर पी की वैल्यू वन से छोटी होगी या वन के इक्वल होगी तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए, अब ए एन कन्वर्जेंट जब है, जब पी की वैल्यू वन से बड़ी है, तो अगर मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट आ गया तो हम क्या कहते हैं कि ये सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी, जब पी की वैल्यू वन से बड़ी होगी। और अब हमें नहीं पता कि पी की वैल्यू वन से बड़ी, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वन से बड़ी आए, हमने ये लिख दिया कि वन से बड़ी होगी तो ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और अगर वन से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट होगी। नाउ वी शैल डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ए एन। तो ये तो मॉड ऑफ ए एन की बात हो गई, बट अब क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आ जाती तो हम डायरेक्टली लिख देते कि ये ए एन अगर मॉड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं आया तो मुझे समेशन ए एन को भी अब चेक करना पड़ेगा। तो देखो, एन इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, टू से स्टार्ट हो रहा है, टू टू इन्फिनिटी ए एन, हम इसको हम चेक करते हैं। तो ए एन की वैल्यू क्या है, मेरे पास ये गिवन है ना, अब क्या करो, इसको बी एन मान लो, किसको, वन बाय एन लॉग एन की पावर पी को। देखो ए एन ये गिवन है ना, इसको बी एन मान लो। अब बी एन के अंदर एन को इन्फिनिटी पुट करो, वन बाय इन्फिनिटी जीरो, एक चीज़ तो प्रूव हो गई। अब बी ऑफ एन प्लस वन क्या होगा, यहाँ पे एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दो, लॉग ऑफ एन एन प्लस वन। अब शो हमें पता है कि एन हमेशा छोटा होगा एन प्लस वन से, होगा ना, अगर मैं इसको लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी छोटा होगा, उसकी पावर पी कर दूँ तो वो भी छोटा होगा।
ये दो टर्म्स थी, इसको लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी पावर भी कर दी, उसकी पावर भी कर दी, तो छोटा ही रहेगा। अब वन बाय में कर दिया तो वन बाय एन लॉग एन तो क्या था बी एन, और ये क्या थी बी एन प्लस वन, तो यानी बी एन बड़ा आ गया बी एन प्लस वन से। तो लेबनिज़ टेस्ट की दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई, इससे हम क्या कहेंगे कि बी एन क्या है, कन्वर्जन। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि एब्सोल्यूट कन्वर्जन तो जब है जब पी की वैल्यू वन से बड़ी है, और कंडीशनली कन्वर्जन जब है जब पी की वैल्यू वन से छोटी या वन के इक्वल है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में हमने समेशन एन ए एन को इसलिए प्रूव करके दिखाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पी की दो वैल्यूज आ रही थी। ओके, अब आ जाओ इस सीरीज पे। शो दैट द सीरीज कन्वर्जिस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये कह रहे हैं कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ना ये जो सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ही होगी। तो देखते हैं ये सीरीज दे रखी है। फर्स्ट टर्म में क्या है x की पावर 1, सेकेंड में x की पावर 2, थर्ड में x की पावर 3, तो nth टर्म में x की पावर n हो जाएगी। नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो nth में n फैक्टोरियल। तो an तो आ गया, ये an प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1। इन दोनों का मोड़ लो, an का मोड़ लो और an प्लस 1 का मोड़ लो, दोनों को डिवाइड करो। तो क्योंकि यहाँ सब पॉजिटिव ही है तो यही टर्म्स रहेंगी। तो मॉड ऑफ an क्या है x की पावर n, मॉड ऑफ x की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, और इसके नीचे क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 का मोड और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ऊपर आके ये टर्म ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या बचेगी ये। तो देखिए अब ये चीज़ मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि ऊपर तो है n प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे है n का फैक्टोरियल। इसको एग्जांपल से समझ लो कि अगर n 2 है तो ऊपर तो क्या बन गया 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या बन गया 2 का फैक्टोरियल। तो 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है और 2 इंटू 1 होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 का फैक्टोरियल। तो क्या लिख दूँ 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचता है 3, 3 क्या है n प्लस 1। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो n प्लस 1 बचता है। ऊपर क्या है x की पावर n, ये नीचे आके माइनस यहाँ पे x की पावर मोड और माइनस n बन जाएगी तो कट जाएगी तो मोड ऑफ x बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें n को इन्फिनिटी पे पुट, n को इन्फिनिटी पुट करो तो ये जब इसको n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। अब तक n 1 बाय n होता था तो 1 बाय इन्फिनिटी जीरो बन जाती थी, बट यहाँ तो ऊपर ही इन्फिनिटी है तो ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। और हमें क्या दे रखा है कि प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो मॉड ऑफ x है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि x जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से मॉड ऑफ an क्या है, कन्वर्जेंट है हर किसी वैल्यू के लिए, x जीरो नहीं होना चाहिए। डीएलएम्बर्ट, अब देखो क्या कह रहे हैं ये, आपने मॉड ऑफ an निकाला, डिवाइड किया उसको इससे, और उस पर अगर n को इन्फिनिटी पुट किया और वो अगर इन्फिनिटी आ गया तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ an क्या है, कन्वर्जेंट है। किसकी वैल्यू के लिए, x बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर x ज़ीरो हो जाए, तो अगर यहाँ पे x ज़ीरो हो जाए तो ये जो समेशन है ये मॉड ऑफ an क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी, और किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो हैंस द गिवन सीरीज इज़ absolutely convergent for all values of x। ये कह रहे हैं यहाँ पे तो हमने केस लिया कि x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट अगर x जीरो हो जाए, अगर x जीरो हो जाएगा तो ये जो समेशन an है ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा ना। तो ये समेशन an क्या बन गया, ज़ीरो। तो ये अगर ऐसा हुआ कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो ये सीरीज़ अब इसका मतलब x पे, x की वैल्यू ज़ीरो पे भी कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ अगर x ज़ीरो है तो भी कन्वर्जेंट है, और अगर x ज़ीरो नहीं है तो भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट नहीं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, क्योंकि मोड ऑफ an हमने निकाला है वो कन्वर्जेंट आ रहा है। तो ये सीरीज़ कैसी है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब देखो नाइन्थ एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। शो दैट द सीरीज x माइनस x 3 बाई 3 प्लस x 5 बाई 5 माइनस x 7 बाई 7 होगा आगे, is absolutely convergent if and only if mod of x is less than 1 but conditionally convergent for mod of x is equals to 1। तो ये सीरीज दे रखी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 बन रहा है। फर्स्ट टर्म है तो x की पावर 1 है, देन सेकेंड टर्म है तो x की पावर 3 है, देन 5 है, तो 1 3 5 ये एक एपी बन रही है। तो ये क्या बन रही है, x की पावर 2n माइनस 1, और नीचे भी 1 3 5 7 9 ये भी 2n माइनस 1 बन रही है। माइनस 1 की पावर चेंज होती जा रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, हमने इसको मान लिया an। अब इसका मोड निकालो, मोड निकालने का मतलब ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, बाकी तो एज इज रहेगी। अगर मैं an प्लस 1 कर दूँ, यानी कि
एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दूँ तो टू एन माइनस वन है, तो एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करो, माइनस वन करो, टू एन प्लस टू माइनस वन बन जाएगा, यानी कि टू एन प्लस वन बन जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों को कर दो डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये टर्म्स आ रही है, टू एन प्लस वन है, नीचे टू एन माइनस वन है, ये एक्स की पावर, इसको नीचे ले आओ तो ये माइनस टू एन और प्लस वन बन जाएगा, तो कट जाएगा, तो एक्स मॉड का स्क्वायर बन गया। यहाँ से 2n को बाहर ले लो, क्या बनेगा, 1 प्लस 1 बाई 2n, यहाँ से भाई 2n को बाहर ले लो तो ये बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब n को इन्फिनिटी पुट करो, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये टर्म बचेगी सिर्फ, और मॉड x का मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, और क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब डीएलएम्बर्ट रेश्यो टेस्ट से, अगर अब डीएलएम्बर्ट रेश्यो टेस्ट क्या कहता है कि ये अब इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड, अगर ये वाली टर्म 1 से बड़ी आ जाएगी तो ये समीशन एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब 1 से बड़ी होने का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा आ जाए, एक्स स्क्वायर छोटा, देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा होना चाहिए, या फिर देखो क्या कह रहे हैं कि ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट तो जब होगी जब ये वैल्यू होगी, और डाइवर्जेंट जब होगी जब 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होगा 1 से, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा 1 से। तो यही लिख रहे हैं कि अगर मोड ऑफ एक्स 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट है, और अगर मोड ऑफ एक्स 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है, और अगर मोड ऑफ एक्स 1 के इक्वल हो जाए तो ए एन की वैल्यू क्या बन जाएगी। देखो अगर मोड ऑफ एक्स 1 के इक्वल हो जाए तो ए एन की वैल्यू क्या थी, ये थी ना, अगर ये 1 हो गया तो क्या बन जाएगी, 1 बाय 2 एन माइनस 1, ये बन जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम मोड ऑफ एक्स को 1 ले लें, यानी कि एक्स स्क्वायर अगर बड़ा छोटा है 1 से, तो इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर मॉड ऑफ एक्स 1 से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर मॉड ऑफ एक्स 1 के इक्वल हो जाए तो ए एन का मॉड क्या था, ए एन का मॉड ये था, और इसकी वैल्यू अगर 1 है, 1 के बाद कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगी, यानी कि ये टर्म बनेगी। अब हम देखते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो क्या करो इसको प्रूव करने के लिए, 1 बाय यहाँ से क्या करो आप एन को कॉमन ले लो, तो अगर आप n को कॉमन लोगे तो ये टर्म क्या बनेगी, 2 माइनस 1 बाय n, ये बनेगी ना। अब 1 बाय n को bn मान लो, क्या मान लो, bn मान लो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मॉड ऑफ an और डिवाइड बाय bn मैं करूँ, यानी कि ये टर्म, ये वाली टर्म डिवाइड बाय an करूँगी तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय n, ये बचेगा। अब यहाँ n को क्या करो, इन्फिनिटी पुट कर दो, तो n को आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 2 माइनस 0 इज़ 2, तो ये क्या आ गई, 1 बाई 2। तो इसका मतलब मॉड ऑफ n बाई बी एन की लिमिट एक फाइनाइट नंबर आ गई जो कि है 1 बाई 2। इससे हमें पता चलता है बाय कंपैरिजन टेस्ट कि इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा। तो हम अब बी एन के बिहेवियर को चेक करते हैं, तो बी एन क्या है, 1 बाई एन, यानी कि n की पावर 1, तो बाई पी सीरीज टेस्ट ही कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो अगर बी एन डाइवर्जेंट तो ए एन भी डाइवर्जेंट, इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है कि सबमिशन ए एन जो है ये वो डाइवर्जेंट है एट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ समझा नहीं रखा, डायरेक्टली लिख रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि मॉड ऑफ एक्स जब लेस 1 से लेस है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ शो करनी थी, यही चीज़ शो करनी थी कि ये जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एंड हैंस कन्वर्जेंट इफ़ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। देखो क्या चीज़ शो करनी थी, शो दैट द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ऑनली इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ से प्रूव कर दी कि अगर मॉड ऑफ एन की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है तो मॉड ऑफ एन, यानी कि वो मॉड ऑफ एन कन्वर्जेंट तो है, और एब्सोल्यूट मॉड ऑफ एन की बात आ गई तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट जब है जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। एक चीज़ तो प्रूव कर दी, अब उन्होंने कहा बट कंडीशनली कन्वर्जेंट प्रूव करो जब मॉड ऑफ एक्स 1 के इक्वल है। तो ठीक है, अब मॉड ऑफ एक्स 1 के इक्वल है तो इसका मतलब इसके अंदर तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक बार तो हम एक्स को 1 के इक्वल लेंगे और एक बार हम एक्स को माइनस 1 के इक्वल लेंगे। अगर मैं एक्स को 1 के इक्वल ले लेती हूँ तो देखो ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, 1 माइनस 1 बाय 1 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसी बनेगी ना, 5 सॉरी 5 फैक्टोरियल नहीं 5, ये बनेगी। अब यहाँ पे इसको मैं समेशन में इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यहाँ पे आप लेबनीज टेस्ट अप्लाई करके देख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं हम लेबनीज टेस्ट के लिए। इसको मान लो बी एन है, इसको मान लो कि क्या है, बी एन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर एन को इन्फिनिटी पुट करो तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 0 बन जाएगा, कंडीशन होगी फुलफिल। दूसरा काम क्या होता है कि बी एन को बी एन प्लस 1 से बड़ा दिखाना होता है, उसके लिए मान लो कि 2n माइनस 1 जो है वो हमेशा छोटा होगा 2n प्लस 1 से, फिर 1 बाय 2n माइनस 1 कर दो तो ये बड़ा हो जाएगा 1 बाय 2n प्लस 1 से, ये क्या है bn है और ये क्या है bn प्लस 1 है, तो bn बड़ा आ जाएगा bn प्लस 1 से, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि ये लेबनीज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट है। अब अगर x को माइनस 1 पुट करें तो ये देखो माइनस 1
यहाँ माइनस वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, देन यहाँ प्लस, तो यहाँ पे माइनस वन को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बन जाएगा। तो फिर से ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज बन गई, इसकी nth टर्म ये बन गई। अब यहाँ पे दोबारा से लेबनिस अप्लाई करो, इन दोनों टर्म्स में क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है, बी एन इसमें भी ये था और बी एन इसमें भी ये है, तो ये भी कैसी आएगी? कन्वर्जेंट आएगी। तो x इज इक्वल्स टू वन पे भी कन्वर्जेंट, x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे भी ये क्या आ रही है? हमारी सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है। ठीक है, तो देखो अभी अभी इन्होंने कहा है केस, अगर हम x को 1 से बड़ा ले लें, देखिए अगर यहाँ x 1 से बड़ा है, सपोज कि यहाँ 3 है या फिर 2 है, कुछ भी मान लो, आप 2 मान लो 3 मान लो, तो यहाँ पे मान लो 2 है तो माइनस 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, 8 बाई 3 करोगे तो 2 से तो बड़ा ही आएगा, यहाँ पे करोगे तो भी 2 से बड़ा आएगा, तो यानी कि ये टर्म बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर ये टर्म बढ़ती रहेगी, अगर मैं इस पर लेबनिस टेस्ट लगाऊँ तो लेबनिस टेस्ट के अकॉर्डिंग तो जो बी एन की वैल्यू होती है वो बी एन प्लस वन से बड़ी आनी चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करके देखोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि एक्स अगर वन से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, आप चाहो तो करके देख सकते हो। हैंस द गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ऑनली इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन बट कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर मॉड ऑफ एक्स वन से छोटा हो तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, बट अगर वन हो, माइनस वन हो या वन से बड़ा हो, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स अगर वन की इक्वल हो जाए तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, सॉरी कंडीशनली। कंडीशनली का मतलब क्या होता था कि ए एन तो कन्वर्जेंट हो बट ए एन का मॉड क्या हो? डाइवर्जेंट हो। तो हमने यही तो देखा कि देखो मॉड ऑफ ए एन क्या आ रहा था? डाइवर्जेंट आ रहा था। कब? जब मॉड ऑफ एक्स वन की इक्वल है, तो मॉड ऑफ ए एन तो डाइवर्जेंट है और सीरीज ए एन कन्वर्जेंट आ रही है लेबनिस टेस्ट से। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर है? समझ में आ गया नहीं आ गई? एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा आपको, आई थिंक सो, बट कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, वैसे ईजी भी है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था करने को, और उसके बाद ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सारे ही क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट पे। तो आप चाहो तो इनको कर सकते हो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।